यू मतलब 31 जुलाई को गर्लफ्रेंड बीवी को फोन नहीं लगाया तो चलेगा, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने सीए को फोन लगाना। आओ म्हणजे टॅक्स चे सगळे पेपर सबमिट केलेत ना, बाद में चलान लगेगा, फिर बोलना नहीं हो कि ये क्या इतना सारा पैसा टैक्स में गया, मेरा कट हो गया एंड ऑल दैट। बट यू नो हम चाहे कितने भी बड़े हो जाए ना, हमारे ये जो बेसिक प्रॉब्लम्स है ना वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। आज भी दिल में ना ऐसी धड़कनें तेज हो जाती है जब हमें एक सिंपल सा फॉर्म भरना पड़े, भले ही वो एनरोलमेंट हो फॉर अ डांस क्लास, लेकिन फॉर्म भर लेचा असेल तो। And why just form? All the commerce student out there, you will agree with me. हमने कॉलेजेस में कितना डेबिट क्रेडिट इनवर्ड आउटवर्ड बैलेंस शीट टैली किया आणि छान मार्क पण आले, मतलब तुक्का भी लगा हो सकता है, लेकिन आज भी बँकेत जाऊन पासबुक आपल्याला फिल करायचं असेल टेंशन येतंय, काय काय लिहिलं काय, व्हाट इज गोइंग ऑन। मेरे बैंक में तो अभी भी जब मैं पैसे विड्रॉ करने जाती हूँ ना, तो वो बैंक वाली कैशियर है ना मुझे देख के बोलती है आइला महती है ना, एंड कभी बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे हो जाए ना तो वही औरत मुझे फोन करके बोलेगी, आओ आता तुम्ही काय मोठे झालेत, FD करो ना कुछ हमारे बैंक के साथ। एक्चुअली समटाइम्स आई फील कि मेरे बाजू वाला बैंक जो है उसका पुलिस स्टेशन के साथ एकदम डिटो कॉम्बिनेशन हो सकता है, इट्स द सेम, एकदम असा पिन हरवलेला हेड पिन नहीं रे, तो ATM का पिन होता ना टिक 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 टिक। वहाँ के एक मैनेजर को मैंने बोला तो उसने इतने सारे सवाल मुझे पूछना चालू किए, लास्ट टाइम कभी बघितलेलं, कोणा बरोबर शेयर केलं, किधर लिखा तो नहीं आपने, पूरा जांच पड़ताल करने के बाद बाजू वाला पाटिल को बोला, बघितलं पाटिल आजकालच्या मुलींना फॅशनेबल पिन ठेवायचं असतं, बर्थडे रखने का ना सिंपल सोपं याद भी रहते हैं। एक बार तो मेरे अकाउंट में कम बैलेंस था इसलिए एक फीस चार्ज की बैंक ने मुझे, तो मैं फोन लगला त्यांना, आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग के है काय है, हाउ कैन यू चार्ज मी लाइक दिस, सामने से रिप्लाई आया ऐसा ही चाहिए, नेमी ना तुम्ही मुली जे आहेत ते शॉपिंग करत असतात। अरे मम्मी थी क्या वहां पे, अभी ये बैंक का टॉपिक निकल ही रहा है तो हैव यू नोटिस्ड हर बैंक में एंट्री करते ही ना टेबल वर एक माणूस बसलेला असतो, ही सो बिजी, वो मुंडी ऊपर करते ही नहीं है, नीचे ही कुछ काम करते रहते हैं और सब जाकर उसी को सवाल पूछेंगे, सर ये फॉर्म कुठे मिळेल, कैशियर कुठे आहे, वाडेकर मैडम कुठे बसतात, एंड ही विल नॉट रिप्लाई इमिजिएटली, पहले अपना टाइम देगा, फिर उसको 3-4 बार बोलेगा सर हेलो सर, और ऊपर देखेगा बोलेगा इकड़े बेचारा। तो ऑल इन ऑल वो सिक्योरिटी गार्ड जो बड़ा बंदूक लेकर खड़ा रहता है ना दरवाजे पर, उनको छोड़कर हर कोई डरावने है, लेकिन एक्चुअली दे आर नॉट स्कैरी, मतलब वो आपको अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना समझ कर ही आपको चिल्लाते हैं, तो विद अ स्माइल अपना स्टेटमेंट लीजिए, अपने CA को दीजिए आणि इनकम टैक्स फाइल करायचं बरं का, नाहीतर प्रॉब्लम होऊ शकतो। एंड डोंट फॉरगेट अगर बँकेत जाता है तो लंच टाइम में मत जाइए, नाहीतर तिकडे पण प्रॉब्लेम होऊ शकतो।